सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए हैं। रिश्ते ऐसे बनाओ कि जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और नजरिया ज्यादा हो। रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है, कभी रिश्तों में रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्ते में रिश्ते बन जाते हैं। इसीलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। आज का पंचांग 10 अप्रैल 2024 दिन बुधवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, शाम 5:32 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र रात्रि 3:05 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:28 से 2:01 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा बनी रहे। कर्क राशि 10 अप्रैल 2024 दिन बुधवार, आपके परिवार अब आपकी सफलताओं का उत्सव मनाने के लिए तैयार हैं। आपकी प्रगति और वेतन में वृद्धि का समय है। धन कमाने की संभावना है लेकिन सावधान रहें क्योंकि गलत निवेश से बचना महत्वपूर्ण है। आपके प्रियजन या पड़ोसी को कोई समस्या हो सकती है तो उनका साथ दें। आज साक्षात्कार और वार्तालाप का समय है जो आपके विचारों की सराहना करेगा। आप लोकप्रियता हासिल कर सकती हैं। लोग आपके काम को मान्यता देती हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, सफलता आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। अगले कुछ दिनों में आपको अचानक ही दुविधा और बेचैनी से मुक्ति मिल सकती है। कोई मुश्किल काम आपके लिए अचानक ही सहज हो सकता है जिससे आप उत्साहित और प्रसन्न होंगे। आज अधिक ऊर्जा महसूस करेंगे और शायद कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। हालांकि सेहत के मामलों में ध्यान देना आवश्यक हो सकता है। करियर के मामलों में पैसे की चिंता की वजह से कुछ परेशानी हो सकती है, काम भी बिगड़ सकता है, ध्यान रखें। लेकिन आपकी मेहनत आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। पारिवारिक संबंधों में नाराजगी हो सकती है लेकिन ध्यान देने लायक बात यह है कि आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। आज का दिन बाकी दिनों की तुलना में बेहतर भी हो सकता है। आपको अपने करीबियों से अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों की डीलें फाइनल हो सकती है। अगर आप अपने काम को किसी दूसरे के भरोसे छोड़ेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। आपके सामने कुछ आवश्यक खर्च हो सकता है जिन्हें आपको मजबूरी में करना पड़ेगा। आप किसी को धन राशि देने की सोच सकते हैं जो शायद किसी लड़ाई या झगड़े की वजह बन सकती है। सावधानियां, आप ध्यान रखें कि किसी पर अधिक भरोसा न करें क्योंकि धोखा होने की संभावना है। वाहन चलाते समय सावधान रहें क्योंकि चोट लगने की भी संभावना है। आर्थिक मामले अभी भी संदेश रहेंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। आज अपने रोजाना के व्यस्त जीवन से थोड़ी देर के लिए छुट्टी ले लें। यह समय अपने प्यार के साथ बिताने के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपके प्रेम में आप हर गलत फहमी को पिघला सकती हैं। किसी यात्रा की योजना बनाएं ताकि मनोरंजन के साथ साथ अच्छी कंपनी भी मिले। अपने दोस्ती को मजबूत बनाने के लिए आप अधिक मेहनत करेंगे। आज रिश्तों में कुछ परेशानी हो सकती है या फिर आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके लिए कौन सही है। इसमें अपने दिल की सुने और सही निर्णय लें। अपने आत्मविश्वास को कम न होने दें। आपका साथी स्वयं आपकी ओर आएगा। बात करते हैं करियर की। आज आपको अपने परिश्रम के अच्छे परिणाम मिलेंगे। न केवल अपनी कड़ी मेहनत बल्कि आपकी कला भी आपको नए कीर्तिमान बनाने में मदद कर सकती है। बड़े भाई बहन की परेशानियां और पिता पर आए संकट आपको चिंतित करेगा। यात्रा की योजना को आज रद्द करना भी बेहतर होगा। किसी साक्षात्कार वार्तालाप या चर्चा के लिए यह समय शुभ है। सतर्क रहें, आज कोई भी चीजें आपकी सफलता में बाधा नहीं डाल सकती। जीवन वास्तव में आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। चीजों को सकारात्मक रूप से देखें क्योंकि आपके जीवन का अंत बेहतरीन है। आपका रवैया ही आपके जीवन के हार जीत को निर्धारित करेगा। बात करते हैं सेहत की। एलर्जी और बदलते मौसम के कारण
आप थोड़े परेशान हो सकती हैं। बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, अपना उचित इलाज करवाएं। ज्यादा हो तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। अपनी इस छोटी छोटी बातों का ध्यान ज्यादा रखें। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी की विधिवत पूजा करें, अति शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।